हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डी ब्रोगली थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। सो व्हाट इज डी ब्रोगली थ्योरी? इन 1924 डी ब्रोगली प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट्स बिहेव बोथ एज मटेरियल पार्टिकल्स एंड एज अ वेव। एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल कैरेक्टर। बेसिकली डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक थे, सो उन्होंने एक बेसिक सा थ्योरी प्रतिपादित किया, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि कोई भी छोटा कण, कोई भी छोटे छोटे कण, जो कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन अथवा कोई भी परमाणु, जब मूवमेंट में होते हैं, जब गतिशील होते हैं, तो दो प्रकार के नेचर जो है ये शो करते हैं, दो प्रकार से बिहेव करते हैं। एक तो एज अ मटेरियल पार्टिकल्स बिहेव करेंगे एंड एज अ वेव बिहेव करेंगे। तो इस प्रकार से दो जो है नेचर प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन है, सो ये जो है जब वेव की तरह अगर बिहेव करता है ये, तो ये जब वेव की तरह बिहेव करेगा तो ये जो कण होंगे, इनमें जो तरंग में जो वेव में जितने भी जो क्वालिटीज होंगे, जितने भी गुण पाए जाएंगे, वो इन कणों में भी वे सभी जो है गुण, जैसे कि जो वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, जो वेव एम्पलीट्यूड होगा, ये सभी पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है डी ब्रोगली ने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया। बेसिकली कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, जब गतिशील होते हैं, जब मूवमेंट में होते हैं, तो वो दो प्रकार से गुण प्रदर्शित करते हैं, दो प्रकार से बिहेव करते हैं, एज अ मटेरियल पार्टिकल्स एंड एज अ वेव। ओके, सो इसी को जो है डी ब्रोगली ने बताया था, और उसके लिए उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये जो वेवलेंथ होगा, जो ये वेव होगा, इसके वेवलेंथ को जो है निकालने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किया था। सो उसको हम डिस्कस करते हैं। सो यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, डी ब्रोगली डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इस प्रकार से जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी था एंड आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप था, इन दोनों को यूज करके डी ब्रोगली ने एक अपना जो है फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन जो है डिराइव किया, जिससे जो है वेवलेंथ को जो है कैलकुलेट किया जा सके, किसी भी वेव का जो है, कि कोई भी जो वेव है उसके वेवलेंथ को जो है कैलकुलेट किया जाए। सो इन्होंने एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन मास एनर्जी दोनों को यूज किया था। सो पहले हम अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन क्या था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार जो प्लैंक इक्वेशन था वो था इक्वल टू एच न्यू, जहां पे जो न्यू था ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड एच इज प्लैंक कांस्टेंट। ओके, ये प्लैंक कांस्टेंट को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जो आइंस्टीन मास एनर्जी था, रिलेशनशिप था उसके, उनका जो फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस प्रकार जब दोनों फॉर्मूला को, जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया गया, तो वी गेट दैट एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। सो यहाँ पे एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच, यहाँ पे जो न्यू होगा, ये हमारा न्यू जो है ये सी अपॉन लैम्डा होता है, इसका मान जो होता है ये सी अपॉन लैम्डा होता है, तो इसके जगह हम सी अपॉन लैम्डा रिप्लेस कर सकते हैं न्यू के जगह। देन एम सी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एक सी होगा ये इस सी के साथ कट जाएगा, जिससे मतलब आपस में ये दोनों कट जाएंगे, जिसे ये एम सी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा हमारा नेक्स्ट इक्वेशन में आएगा। उसके बाद जो लैम्डा होगा, ये पक्षांतर होने के बाद लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड मिलेगा। एंड यही जो है डी ब्रोगली इक्वेशन, इसी को कहा जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, ये जो एम है ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड सी के जगह हम जो है वी भी यूज कर सकते हैं, एंड देन एम एंड वी जो है ये पी के बराबर होता है, तो पी ये होता है हमारा संवेग। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा मेन फॉर्मूला निकलता है, ये जो है मेन फॉर्मूला है डी ब्रोगली इक्वेशन का। सो वेयर लैम्डा जो है इज नोन एज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, सो इस प्रकार से डी ब्रोगली ने जो है किसी भी पार्टिकल्स, किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स के दो नेचर्स को जो है इन्होंने शो किया था अपने थ्योरी में, कि ये दो प्रकार के नेचर शो करते हैं, दैट इज अ मटेरियल पार्टिकल्स एंड एज अ वेव के रूप में बिहेव करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भी पार्टिकल्स होगा, ये जो कण होंगे, इसको जो है वेव पार्टिकल्स ड्यूअलिटी कहा जाता है। बेसिकली इनका ड्यूअल नेचर प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको वेव पार्टिकल्स ड्यूअलिटी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये डी ब्रोगली का मेन फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। ये
इंपॉर्टेंट है फॉर बीएससी लेवल एग्जामिनेशन के लिए, 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसी टॉपिक से इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो डी ब्रोगली ने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के जो ड्यूअल नेचर होते हैं, 2 प्रकार के नेचर प्रदर्शित करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था। सो डेविसन एंड जर्मर इन 1927 एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, दे सक्सेस इन डिफ्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स वेव फ्रॉम अ निकिल क्रिस्टल। तो एक प्रकार के निकिल क्रिस्टल को लिया था बेसिकली ये जो डेविसन एंड ये जर्मन जो थे, इन्होंने जो है 1927 में एक्सपेरिमेंट किया था इसको प्रूफ करने के लिए, ये जो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था, थ्योरी था, उसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने किया था कि एक निकिल क्रिस्टल लिए थे एंड उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स वेव को जो है यहाँ पे डिफ्रैक्ट किया था जैसे कि जो ब्रैग समीकरण के अनुसार, जो ब्रैग इक्वेशन होता है उसके अनुसार, जो हमारा एक्सरेज जो होते हैं जिस प्रकार से डिफ्रैक्ट होते हैं, उसी प्रकार से ये भी डिफ्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के जो वेव होते हैं ये भी। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया गया था। एंड सेकेंड इन 1928 में भी एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया गया था थॉमसन एंड रीड के द्वारा, इन्होंने ही एक्सटेंडेड द रिसर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ये जो रिसर्च था इसको एक्सटेंड किया इनके द्वारा, किया गया थॉमसन एंड रीड के द्वारा। एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन वेव डिफ्रेक्टेड बाय वेरी थिन मेटेलिक फिल्म, तो एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को जो है बहुत ही थिन मेटेलिक पतली मेटल्स के ऊपर जो है ये डिफ्रेक्ट किया गया, और ये दे यूज अ मेथड सिमिलर टू द डी बाय स्क्वायर पाउडर मेथड्स फॉर एक्सरे एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया इन्होंने सेम मेथड यूज किया जो कि पाउडर मेथड जो होता है, जो डी बाय स्क्वायर का जो पाउडर मेथड था एक्सरे एनालिसिस के लिए, उसी को उन्होंने यूज किया एंड ये एक्सपेरिमेंट को इन्होंने प्रूफ किया। बेसिकली ये जो पाउडर मेथड है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सो इन्होंने पाउडर मेथड यूज करके जो है इसको प्रूफ किया था। तो इस प्रकार से 2 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किए गए थे ड्यूअल नेचर, इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर्स को प्रूफ करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मैटर्स, जो वेव मैटर्स हैं उनके प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सो पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्मॉलर पार्टिकल्स टू हैव अ मास, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसमें मास भी होता है, मतलब इनका द्रव्यमान भी होता है, हेंस दे हैव अ क्वालिटी ऑफ मैटर्स। ओके, सो ये जो बेसिकली जो ये इम्पोर्ट जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इनमें भी द्रव्यमान पाया जाता है, ये वेव मैटर्स का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंड इफ वी कंसीडर पार्टिकल एज अ वेव पार्टिकल्स, ओके, ये पार्टिकल 2 प्रकार के नेचर प्रदर्शित करेंगे। सो जब हम इसको वेव के पार्टिकल्स के रूप में इसको हम मानेंगे तो सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट एग्जाम्पल वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। सो जो वेवलेंथ का जो प्रॉपर्टीज होता है वो भी इन पार्टिकल्स में भी सेम जो है प्रॉपर्टीज या सेम क्वालिटी पाया जाएगा, दैट इज अ वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ये सब। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज है दैट इज स्मॉलर पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, व्हेन मूव्स देयर नेचर बिकम सेम एज मैटर एज वेव। ओके, सो स्मॉल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, ये जो है जब ये मूव करते हैं, जब मूवमेंट में होते हैं तो ये बेसिकली मैटर्स एंड वेव की तरह ये बिहेव करते हैं, ये सेम जो ये प्रिंसिपल है ये इसी को प्रॉपर्टीज में भी आप लिख सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, बीएससी लेवल के एग्जामिनेशंस में, दैट व्हाट इज द डी ब्रोगली थ्योरी डिराइव द इक्वेशन। तो आप ये जो पहला वाला हमारा था ये इक्वेशंस का ये डेफिनेशन एंड ये फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं इस क्वेश्चंस के लिए। इसके अलावा और क्वेश्चंस आते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, दैट इज व्हाट इज द डी ब्रोगली थ्योरी, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मैटर्स। तो इस प्रकार से डी ब्रोगली थ्योरी को आप समझा सकते हैं बेसिक डेफिनेशन लिख के, ये 3 प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन इज राइट डाउन द डी ब्रोगली थ्योरी, डिराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अगर पूछा जाता है तो उसमें भी आपको ये सिंपली ये जो फॉर्मूला डिराइव करने का ये डेरिवेशन है ये सिंपल सा इसको आपको लिखना है, मैथमेटिकल डेरिवेशन यही है। सो इस प्रकार से डी ब्रोगली थ्योरी कंप्लीट होता है, बहुत ही सिंपल सा एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजिली आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पीडीएफ सेक्शन में लिंक मिलेगा, जहां से आप बीएससी एंड एमएससी लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोज देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।